एक साथ अमित शाह जी के आने के बाद तो पहले हम 5 लाख सोच रहे थे, अब हम लगा 6 लाख से जीते। कांग्रेस जीरो, बीजेपी हीरो। हीरो की बात कर रहा था। ओ मिला जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटा शहर में और कोटा शहर में अभी अमित शाह जी की रैली हुई थी और उसके बाद महिलाओं का एक हुजूम नारा लगाते हुए अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो आइए इन महिलाओं से हम बातचीत करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है, आखिर ये नारा किस लिए लगा रहे हैं और अमित शाह जी की रैली से कितने प्रभावित हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पंडित है जी। मेरे जिया जी हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से लोकसभा से और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मतों से जिया जी की विजय होगी 6 लाख के पार। अब की बात कर सोता। ओम बिरला जिंदाबाद। अमित शाह जी की यहाँ रैली हुई, कितने प्रभावित हुए हैं उनसे? बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत हमें प्रभावित किया। हम मोदी जी, अमित शाह और अपने जिया जी ओम बिरला जी के बहुत भारी, उनकी बहुत भारी मतों से जीत होगी और वो डिजर्व भी करते हैं सीट के लिए। सारे लोग एक साथ अमित शाह जी के आने के बाद तो पहले हम 5 लाख सोच रहे थे, अब हम लगा 6 लाख से जीते। एक सप्ताह से मैं पूरे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। लोगों का जो डिमांड था, जेंट्स लोगों का डिमांड तो मैं रख दिया चैनल के माध्यम से, महिलाओं का क्या क्या डिमांड है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ आती है और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ओम बिरला अगर जीतते हैं तो महिलाओं को क्या क्या डिमांड है? महिलाओं के हम गांव-गांव जा रहे हैं, ढाड़ी-ढाड़ी जा रहे हैं। महिलाओं की सब महिलाएं इतनी प्रसन्न है। ओम बिरला जी पहले ही सुपोषित आहार, पहले ही सबके यहाँ पर शौचालय वाल, सब महिलाएं प्रसन्न है। थोड़ी बहुत महिलाओं को पानी के गांव में जरूर प्रॉब्लम है, वो कोटा में वो भी नहीं है। हर एक की डिमांड है कि ओम बिरला जी ही आने चाहिए। क्या लगता है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में है, क्या लगता है भाजपा के राज में महिला सुरक्षित है? नारी शक्ति जिंदाबाद। आज हमारी छोटी छोटी बहनें, 14-14 साल की बहनें जो हमारी है, वो आती है कोटा में पढ़ती है और अपना एक अच्छा सिलेक्शन लेके पूरे भारत में अपना नाम करती है, पूरे विश्व में अपनी नौकरी के लिए जाती है और आने वाले समय में ओम जी बिरला। मैं एक ही शब्द कहूंगी, कांग्रेस जीरो, बीजेपी हीरो। हीरो कांग्रेस जीरो। एक मिनट, तो प्रूफ कीजिए कांग्रेस जीरो कैसे? कैसे नहीं है आप बताइए। जो आज एकमात्र चेहरा लाई है ना मोदी जी के अपोजिट, आप चेहरा ला के जड़िए भाई, आप जैसे मोदी जी है ना मोदी जी के अपोजिट में। एक मिनट, आप सभी महिला यहाँ है तो महिलाओं के लिए एक राहुल गांधी ने कुछ खास बात कहे थे जो मैं आप सभी को कहता हूँ और क्या उनसे कितने प्रभावित थे आप लोग बताइएगा। एक मिनट पहले सुन तो लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। उनको शक्ति ही नहीं पता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हर एक गरीब तबके की महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या कहेंगे? राहुल कहना मान लो, बोरे बिस्तर बांध लो, इटली वापस जाओ। देने लायक नहीं है तो हम लोगों को क्या देगा? उसपे क्या है? अपने परिवार को नहीं चला सकता तो हम लोगों को क्या देगा? बोरे बिस्तर बांध लो। नहीं चाहिए हमको अपना आत्मसम्मान चाहिए। मोदी जी की तरफ से मिला हुआ है, नारी शक्ति को उन्होंने सम्मान दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कहीं ना कहीं महिलाओं का जो क्रेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की तरफ काफी है। राहुल गांधी का जो बयान आया था 1 लाख रुपए सालाना देने का, इनका कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। कैमरामैन प्रशांत के साथ राजस्थान।